सो है गाइस, वैसे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो गाइस, आज विजय मेहर ने जो फोटो डाली है, इसका हम ट्यूटोरियल करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना किसी रुकावट के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो गाइस, पहले आप सभी को करना है कि आप सबको सिंपली इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल का पीएनजी ले लेना है, ठीक है? तो गाइस, मॉडल का पीएनजी मैंने ये ले लिया है। एंड गाइस, जिसमें जो मैंने हैंड लगाया, दूसरे वाला आप सभी को दिख रहा होगा जिसमें विजय मेहर जी ने गन पकड़ रखी है, वो मैंने गाइस कट आउट करके मैंने इसमें लगाया, क्योंकि इसमें जो मॉडल में जो था, मतलब कि विजय मेहर जी का हैंड नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें हैंड लगाया ताकि आप सभी को मैं अच्छे से समझा सकूं। सो गाइस, मैं आप सभी को इस शॉट गन का पीएनजी मैं दे दूंगा, तो आप सिंपली ले लेना। तो हम इस शॉट गन के पीएनजी को ले लेते हैं। एंड ऐसे हम सिंपली रोटेट पे जाके हम इसको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। एंड सिंपली हम इसको इस तरीके से साइज को बड़ा करते हुए सिंपली हम इसको हम गन से मैच करेंगे, ठीक है गाइस? तो आप सभी को सिंपली ज़्यादा उच्च करना नहीं, आप सभी को सिंपली ऐसे पोज दे देना है। आप सभी को इस गन को आप सभी को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? आप सभी को ऐसा कोई गन पकड़ने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे आप चाहो तो वैसे अगर कुछ वैसी चीज़ें पकड़ के आप क्लिक कर सकते हो, तो भाई इतना ही करना आप सभी को। तो गाइस, इसको यहाँ से हम इसका इसका वेस्ट पार्ट है, हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं यहाँ से। तो हार्डनेस को फुल कर देंगे एंड सिंपली जूम करके हम यहाँ से सिंपली इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है? तो इसको हम पहले जूम करके अच्छे से जूम कर करके अच्छे से इरेज कर लेना आप सभी को, ठीक है? तो कोई भी पार्ट आपका मतलब कि मिस ना हो जाए, मतलब कि जो मतलब कि रहना जाए, तो थोड़ा ध्यान से करना, ओके? तो इसको यहाँ से कर लेने के बाद पहले मैं ऐसे क्या करूँगा, ऐसे करूँगा डन, ठीक है? तो अभी हमारा कुछ पार्ट रह गया है इरेज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे एंड जो बाकी जितना भी रह गया है हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो हम इस गन के पिन जो पीछे ले जाना है, तो उसके लिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, तो आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको मूव टू डाउन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? इस पर क्लिक कर देने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे चले जाएगा मॉडल के। तो बस आप सभी को सिंपली इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कुछ, ओके? सो इतना एडजस्ट कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली डन कर देना है, ठीक है गाइस? तो यहाँ से सिंपली फोटो को डन करते हैं। एंड उसके बाद जो है गाइस, आप सभी को सॉरी गाइस, पहले मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। यहाँ से गाइस डन कर लेने के बाद आप सभी को सिंपली ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये जो पीएनजी है, ठीक है, कैप की जो मैंने आप सभी को दे रखी है, तो उसको आप सबको सिंपली लगा लेना। अगर आप चाहो तो एक कैप की पीएनजी लगा सकते हो, अदरवाइज अगर आपने कोई कैप की पीएनजी मतलब कैप पहनकर भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है? तो जो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, बाकी मैं पीएनजी तो आपको दे दूंगा, ठीक है? तो आपको सिंपली अच्छे से इस तरीके से आपको अपने हेड के ऊपर एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है गाइस? तो इसको मैं यहाँ पे पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आगे का स्टेप बताता हूँ, ओके? तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया एडजस्ट, तो यहाँ से हम डन कर देते हैं। एंड उसके बाद आपको अगेन जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये पीएनजी ले लेना है, ठीक है? ये जो मैंने एक पीएनजी है आप सभी के लिए इसको बना रखा है, तो आपको इसको ले लेना है। ऐड कर लेंगे ऐसे, हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड इसमें कुछ पार्ट रह गया इरेज करने के लिए, तो पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? तो उसको मैं ऐसे इरेज कर लिया मैंने। एंड ऐसे डन करते हैं। एंड इसको डन कर देने के बाद आप सभी को सिंपली इसको इस तरीके से जूम करते हुए आप सभी को अपने हैंड के पास लगा लेना है, ठीक है? तो गाइस, अगर आप सभी का मतलब कि हैंड में अगर ये फिट ना हो ऐसे ही सिंपली, तो आप सभी को करना है कि आप सभी को सिंपली इसको क्रॉप करके आपको आधा आधा पहले आधा पार्ट आगे का लगा लेना है, पीछे का पार्ट आधा कट क्रॉप करके, ठीक है? तो आप ऐसे लगा सकते हो। बाकी आप सभी को मैं यहाँ पे बताता हूँ आप आगे क्या करना आप सभी को। पहले मैं इसको अच्छे से यहाँ पे हैंड पे लगा लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो है लग चुका है, तो उसको यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा आगे की तरफ एंड यहाँ से सिंपली डन कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को एक पीएनजी और लेना है। तो उसके लिए क्या करना है आप सभी को, पहले यहाँ से चलता हूँ मैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, मैं आप सभी को पीएनजी दे देता हूँ, ले लेता हूँ। तो मतलब कि पीएनजी कैसे लेना है, तो आप सभी को आपको जहाँ से भी हो मतलब कि डाउनलोड कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपली हम इसका पहले ब्लेंडिंग मोड को चेंज करते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है? तो इसको हमने स्क्रीन कर दिया है। एंड जो गाइस, इसकी ओपेसिटी कुछ ज़्यादा सी लग रही है मेरे को, तो उसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे। तो पहले साइज़ को हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है? एंड इसकी जो ओपेसिटी है, हम यहाँ से सिंपली ओपेसिटी पे जाके यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है? अराउंड 70 तक कुछ कर देंगे, ठीक है? एंड यहाँ से कर देंगे डन, ओके? सो उसके बाद जो है गाइस, आप सभी को करना है कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे मतलब कि नीचे की तरफ हमें डार्कनेस लाने के लिए हमें क्या करना है। तो मतलब कि हम इसमें जाएंगे ब्राइट टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद जाएंगे हम एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद जो है हम इसकी ब्राइटनेस को माइनस कर देंगे एंड सिंपली जाएंगे यहाँ से इरेजर टूल में एंड यहाँ से कर देंगे इन्वर्ट। एंड ब्रश में जाके एंड सिंपली हमको नीचे से इस तरह इस पहले ओपेसिटी और हार्डनेस को कम कर देंगे एंड ऐसे सिंपली पेंट कर देंगे, ठीक है? जैसे कि हमारे जो इधर है डार्क हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें डार्क करना है, तो मतलब कि थोड़ा सा अच्छा सा मतलब कि यहाँ पे जो है शाइन सा कर रहा है, तो उसको हम पहले ऐसे इधर से हल्का हल्का इरेज कर लेते हैं। एंड जो पेंट है यहाँ तक हम इस पर पेंट कर देते हैं, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद जो है आपको इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसको मैं इतना एडजस्ट कर लेना आपको मतलब कि 57 तक कुछ रख लेना एंड ऐसे कर देना डन, ठीक है? तो मतलब कि जो अभी थोड़ा सा आगे की तरफ भी हो गया, तो उसको इरेज कर लेते हैं एंड ऐसे करते हैं डन, ओके गाइस? तो उसके बाद जो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है वापस से टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाना है आपको एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद जो है आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है,
और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद आपको जाना सैचुरेशन में, सैचुरेशन को आपको ऊपर नीचे करके थोड़ा चेक कर लेना कि आपको कहाँ पे बेटर लग रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सभी को फिर सैचुरेशन को ऊपर की तरफ रख देना है। एंड हाईलाइट में जाना है, हाईलाइट को जो आप सभी को मतलब कि इसको भी प्लस में ही रखना है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे माइनस करके एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे, एंड ऐसे ब्रश में जाके सिंपली हम इसको अपनी पूरी बॉडी पे इस तरीके से पेंट कर देंगे, ठीक है। और गाइस ध्यान रहे कि आप सभी को सिर्फ बॉडी बॉडी पे ही पेंट करना है, अदरवाइज इधर उधर मत करना पेंट, नहीं तो यार थोड़ा मतलब कि कलर है जो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कलर कहीं मिक्स हो जाएगा तो काफ़ी मतलब कि फोटो में अलग ही दिखेगा वो, तो इसलिए आप सभी को ओनली बॉडी बॉडी पे करना है, ठीक है। एंड ऐसा कर देना आप सभी को सिंपली डन। ओके गाइस, तो यहाँ से अब क्या करना है, हमसे करना है कलर करेक्शन। तो यहाँ से हम सिंपली फोटो को कर लेंगे सेव, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमने फोटो को सेव कर लिया है, तो चलते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। और रात को 10:39 पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं थोड़े वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमने अपनी फोटो को ओपन कर लिया है, तो उसके बाद आप सभी को जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, एंड हाईलाइट्स को आप सभी को सिंपली आप सभी को हल्का सा कम कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को जाना है शेडो में। शेडो में जाने के बाद आप सभी को उसको शेडो को जो है आपको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो वाइट है इसको हल्का सा बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक है ठीक है इसको हल्का सा कम कर देना है। और उसके बाद आप सभी को जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आप सबको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड इसका जाना आप सभी को मिक्स वाले टूल में। इसका जाना ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर की सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड इसके बाद आप सभी को जाना येलो कलर में, येलो कलर में इसके ह्यू को माइनस में रखना है, ओके। सो उसके बाद जाना आप सभी को ब्लू कलर में, और इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से कर देना आप सभी को सिंपली डन। एंड इसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में। उसके बाद नीचे वाले टूल में जाने के बाद आप सभी को फोटो की जो क्लियरिटी इसको बढ़ा देना है, एंड जो विग्नेट है आपको उसको हल्का सा, एंड उसके बाद आप सभी को स्क्रॉल करना है नीचे, आपको ग्रेन अमाउंट दिखेगा तो उसको हल्का सा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, उसका जो फोटो की शार्पनेस है इसको हल्के से बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, ओके गाइस। उसके बाद नॉइज रिडक्शन बढ़ा देना है, एंड कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आप सभी को करना है यहाँ से बैक आ जाना है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को सिलेक्टिव टूल में। सिलेक्टिव टूल में जाने का वो प्लस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आप सभी सर्कल वाले ऑप्शन पर जाना है, एंड उसको सिंपली आप सभी इस तरीके से कर देना है। एंड उसके बाद ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद अगेन प्लस पर क्लिक करना है, ये थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, एंड उसको प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ लाना है, एंड जो एक्सपोजर इसको कम कर देना है। एंड अगेन आप सभी को सर्कल वाला ऑप्शन को लेना है, ठीक है। एंड इसको लेने के बाद आप सबको सिंपली इस तरीके से थोड़ा बड़ा साइज करके आपको पूरे बॉडी को ऊपर लाना है, एंड इस पर प्रेस करना है, एंड इसके बाद इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद जो है क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ओके गाइस। तो उसके बाद यहाँ तक काम हो चुका था, यहाँ से डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम अगेन इस कलर्स वाले ऑप्शन में, ठीक है गाइस। तो कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन वाले पे इसमें जाना है, एंड उसके बाद आप सभी को इसको सिंपली येलो और ऑरेंज के बीच में लेकर आना है, ठीक है। येलो और ऑरेंज आप सभी को यहाँ पर देखना है, एंड उसके बीच में लाना है, ठीक है। एंड इसके बाद तीनों ऑप्शन को आपको उसी में ले जाना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसको ले जाने के बाद आप सभी को यहाँ से डन कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे हमारी फोटो जो है एडिट हो चुकी है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, एंड यार अगर चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि यार आप सभी को ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय।